श्री अकाल जी, मैं गुरप्रीत सिंह और आज की वीडियो है यूएसए वीज़ा स्लॉट्स के ऊपर कि B1 B2 के स्लॉट्स मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। B1 B2 के स्लॉट्स आज की डेट के अंदर मिल रहे हैं, ठीक है। और ये जो स्लॉट्स मिल रहे हैं एमरजेंसी के थ्रू मिल रहे हैं। जेकर हम डायरेक्ट बात करें कि हमें डायरेक्ट मिल जाएं कि हम अभी चेक करें और अम्बेसी हमें अभी स्लॉट्स दे दें, तो अभी के टाइम पे जो नॉर्मल स्लॉट्स मिल रहे हैं वो जो मिल रहे हैं 2025 के मिल रहे हैं, इससे पहले की कोई डेट नहीं है। और 2025 के फिफ्थ मंथ के मिल रहे हैं, जैसे 9th डे हो गई, 10th हो गई, इस तरीके के डेज मिल रहे हैं 2025 के। और जेकर हम इन्हें B1 B2 के स्लॉट्स को एमरजेंसी के अंदर लेना चाहते हैं, इसी मंथ के अंदर लेना चाहते हैं या अगले मंथ के अंदर लेना चाहते हैं, कोई भी कॉन्सुलेट हो तो मिल जाएंगे। वो मिलेंगे कैसे? एमरजेंसी के थ्रू। उसके जब हम एम्बेसी की फीस पे करते हैं और एक हम स्लॉट पिक करते हैं तो उसके अंदर दो ऑप्शन होते हैं एमरजेंसी के, दोनों के दोनों एमरजेंसीज के ऑप्शन ये रहते हैं कि आप रिक्वेस्ट डालो एम्बेसी को कि हमने स्लॉट जल्दी चाहिए। क्यों जल्दी चाहिए? उसका एक रीज़न देना पड़ता है कि हम यूएसए अभी क्यों जाना चाहते हैं, कि अर्जेंटली हमें स्लॉट क्यों चाहिए, ठीक है। तो वो जेन्युइन एक रीज़न होना चाहिए। जेकर आपका रीज़न बिल्कुल जेन्युइन है, ठीक है, एम्बेसी उसे चेक करती है, वो मानते हैं, ठीक है, और एग्री करते हैं, उसके ऊपर वो आपको अर्ली डेज का स्लॉट दे देते हैं। कोई भी कंट्री का हो, चाहे यूके का हो या कनाडा का हो, किसी भी कंट्री के अंदर आपने एमरजेंसी यूएसए की अपॉइंटमेंट लेनी हो तो नीचे दिए हुए नंबर के ऊपर कॉन्टेक्ट कर सकते हो, ठीक है, और आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।